बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपनी ज़मान में रखे। जी व्यूअर्स, ये मैंने कुकर ले लिया है, उसमें मैंने एक कप के करीब ऑयल डाल दिया। आपको ऑयल थोड़ा सा पीला पीला नज़र आएगा। इसमें मैंने रात की कढ़ाई बनाई थी, थोड़ा सा ऑयल बच गया था, मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, निकाल कर फ्रिज में रख दिया था, वो उसमें शामिल कर दिया। जी व्यूअर्स, दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए। ये आपको बाउल भरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये बाउल पानी की वजह से मैंने इसे ग्राइंड की, इसलिए थोड़ा पतला मटेरियल है। जब ये फ्राई होंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें ऐड कर देंगे और हम गोल्डन फ्राई करेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। जी व्यूअर्स, चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें, ये आपकी तरफ से इनाम, आप मोहब्बत और शफकत होती है। जी व्यूअर्स, हमने इसमें प्याज शामिल कर दिए, ग्राइंड किए हुए प्याज का टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाता है, दूसरे प्याज का थोड़ा सा मुझे टेस्ट नहीं लगता। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे ग्राइंड कर लें या स्लाइस में काट लें, चॉप कर लें, बारीक चॉप कर लें, बारीक स्लाइस करके फ्राई करके आप बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और लेकिन अभी हमारा मतलूबा कलर नहीं आया। दो से तीन इतनी स्टिक्स दालचीनी की और ये दो छोटी इलायची हम इसमें शामिल करें, इसको फ्राई करेंगे। ये उड़ रहे हैं इसके छींटे से, मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। 75% हमारे प्याज कुक हो चुके हैं, देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया, पानी इसका ड्राई हो गया। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और 4 कलियां लहसुन की मैंने ग्राइंड करके ऐड कर दी। इसका भी पानी ड्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए, सब्ज़ मिर्चों का और इसका टमाटर का। व्यूअर्स, जैसे जैसे मसाला कुक हो रहा है, 1 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक है, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्पून ही हल्दी है, ये भी हमारे मसाले के साथ साथ ही कुक हो जाएगा। जी व्यूअर्स, हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा कुक हो गया। व्यूअर्स, 1/2 kg मैंने चिकन लिया है तो इसको मैंने धो लिया था, प्लेट में थोड़ा थोड़ा पानी है, ये हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसी मसाले में, फिर अगला प्रोसेस करते हैं। व्यूअर, हम अपने चिकन का मसाले में 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे कि ये इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हाफ डन हो जाएगी इसी मसाले में। नमक मिर्च जो है आप मसाला अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम फूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। हमने बड़ी इलायची और दालचीनी ऑलरेडी इसमें शामिल करी, इसके अलावा हम और कोई स्पाइस नहीं डालेंगे। अब देखें ऑयल मसाले ने छोड़ दिया है, लेकिन हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका टेस्ट यकजान हो जाए, मसाले में चिकन का और मसाले का चिकन में, दोनों का टेस्ट आपस में हो जाए। जी व्यूअर्स, हमारे चिकन की और मसाले की अच्छे से भुनाई होगी। आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल अच्छा खासा ऊपर हंडिया में डाल दिया। 250 ग्राम ये मैंने दाल माश ली है, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी दाल ले सकते हैं, मूँगी ले लें, कोई भी ले लें। ये हमने हाफ डन कर लिया बॉयल करके, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, फिर अगला प्रोसेस करते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाला और चिकन अच्छे से मिक्स हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से देख सकते हैं आप व्यूअर्स, कितनी अच्छी दाल कुक हुई है हमारी, चिकन दाल, और दाल भी कोई नहीं घुली, गली भी हुई है, गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। मैं ये देखिए आराम से मैंने दबाया कोई नहीं। अब हम इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी चिकन दाल माश बहुत यम्मी कुक हुई है। आप ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।